अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कानपुर के बिल्हौर सीट से बागी विधायक भगवती प्रसाद सागर स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और बाबा साहेब और राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनसे बात की है संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने, सुनते हैं। बिल्हौर से बागी विधायक भगवती प्रसाद सागर हमारे साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हुए, उनसे बात कर लेते हैं। भगवती सागर जी, ये बताइए कि क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग जो मजलूम समाज है, जो जाति व्यवस्था का शिकार लोग हैं और जिनको हजारों साल से जात के आधार पर गुलाम और लाचार बनाया गया है, उनकी गुलामी और बढ़ रही थी और प्रजातंत्र देश में समाप्त होने जा रहा था। चंद लोगों के हाथ में पूरा सत्ता केंद्रीकरण होता चला जा रहा था। सरकारी विभाग सब चंद दो लोगों के हाथ में पूरे जा रहे थे और बेरोजगार लोग जो है वो 5,000-10,000 रुपए में आउटसोर्सिंग से उनको नौकरी मिल रही थी, तो उनका भविष्य खत्म हो रहा था। किसान मजदूर सब तबाह हो गया था, उद्योगपति छोटा वाला सब तबाह हो गया था। इनके अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। कहां से चुनाव लड़ेंगे? अब ये अभी जो निर्देश होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब ये जो यहाँ हम लोगों को पूरी तैयारी है, तैयारी के बारे में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। लेकिन भगवती प्रसाद सागर हैं बिल्हौर कानपुर से विधायक हैं, बसपा में रहे और उसके बाद भाजपा में 2017 में आए। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी को वो मजबूत करने जा रहे हैं, आज सदस्यता भी लेंगे। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो भगवती प्रसाद भी आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर वो पहुंच चुके हैं और आज आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी थामने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया है, 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति, बीजेपी का टूटा है भ्रांति, भाजपा अंत का है शंखनादी। और ये ट्वीट किया है विवेक त्रिपाठी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे क्योंकि विवेक, पल पल तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और पल पल नई खबरें नई जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए जया, यहीं पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय में मौजूद हूं और भीतर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ठीक मंच सजा हुआ है जहां पर कुछ देर पहले जो हमने कुर्सियां देखी थी, अब कुछ फेर बदल होते नजर आ रहा है। यानी राजनीति में कुर्सियों का खेल बहुत तेजी से बदलता है और ये उदाहरण है। अभी 5 मिनट पहले ही कुर्सियाँ कुछ और थी और अब कुर्सियाँ कुछ और बदल गई हैं। देखिए जो एक कुर्सी, जो दो कुर्सियाँ थी सफ़ेद तौलिया से ढकी हुई, अब सिर्फ एक कुर्सी रह गई है। तो ये राजनीति है, यही राजनीति है कुर्सियों में। ये कुर्सियाँ कभी पहले भाजपा के लोगों की हुआ करती थी जो वहाँ बैठते थे और अब भाजपा के लोग इन कुर्सियों पर, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग लोगों में शामिल होकर बैठेंगे। और इस मंच के ठीक बगल में एक LED स्क्रीन भी लगा हुआ है। LED स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि सीधे जो समाजवादी पार्टी के अपने काम हैं वो हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नाकामियों को भी दर्शाए जाने की यहाँ पर तैयारी है। चाहे वो कोविड काल के दौरान जो शमशान घाटों पर शवों के जलाने का सिलसिला हो, भी थोड़ी देर पहले वो नज़ारे हमने देखे थे यहाँ पर, वो सब नज़ारे यहाँ दिखाए जाएंगे। और इसके साथ ही ये जो मंच पे आप ये पीछे पोस्टर लगा हुआ देख रहे हैं, बैनर, उसमें वर्चुअल रैली भी लिखा हुआ है। यानी प्रेस वार्ता, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो भाजपा से आए लोग शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी ही, लेकिन ये वर्चुअल रैली करने की भी यहाँ से तैयारी है। यानी जो समाजवादी पार्टी का जो IT टीम है वो यहाँ से एक वर्चुअल रैली भी करेगी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो वर्चुअल रैली तमाम समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश भर के हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आ चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से ठीक कुछ दूरी पर अपने आवास पर हैं और उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक हैं वो भी उनके साथ हैं। कुछ देर में जैसे ही अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे पार्टी मुख्यालय, और उनके साथ जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे रामगोपाल यादव हों, राजेंद्र चौधरी हों, ये एक संभावना जताई जा रही है कि मुलायम सिंह यादव भी इस मौके पर यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पिछले 3 दिनों में 2 दिन लगातार यहाँ पर आए, भी लगातार बदलाव हम देख रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच स्वतंत्र देव सिंह का एक ट्वीट सामने आया है,
बहुत ही दिलचस्प ट्वीट उन्होंने किया है और उन्होंने कल जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आई है उसी को लेकर ट्वीट किया है। सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची से साबित कर दिया कि ये नई नहीं वही सपा है, वही सपा है दंगा राज वाली, वही सपा है भ्रष्टाचार वाली, वही सपा है तुष्टीकरण वाली, वही सपा है पलायन को शह देने वाली, वही सपा है माफियाओं के संरक्षण वाली, यही बबुआ का समाजवाद है। तो पहली लिस्ट जो समाजवादी पार्टी की सामने आई है कल, उसी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कटाक्ष किया है और चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि यही बबुआ का समाजवाद है।